स्वच्छ काफी का नजारा है। काशी जिसका बदला हुआ स्वरूप लोग आभासी रूप में देखते होंगे, लोगों को लगता होगा कि बनारस चमचमा रहा है, स्वच्छ और सुंदर काशी, करोड़ों करोड़ रुपए प्रचार के नाम पर फूंक दिए गए, लेकिन काशी जो पहले जैसी थी लगातार उससे बदतर होती जा रही है, मार्केटिंग चाहे जितनी हो। हम इस समय एक पुलिया पर बैठे हुए हैं, या एक नाला आप देख रहे हैं, बदबूदार नाला, इसका काला काला पानी, इसमें जल है, मल है, बहुत से हजारों परिवार में अभी भी सेफ्टी टैंक नहीं बने हैं, लेटरिन कार नहीं बना है और सीवर लाइन से उसको नहीं जोड़ा गया है, इसलिए सीधे सीधे लोगों के घरों का जल और मल नाले में गिरा दिया जाता है। आप इस नाले को देख रहे हैं जो इधर से भी आ रहा है, आप महसूस करिए इसमें क्या होगा, इसमें दुर्गंध का एहसास तो आपको नहीं होगा, लेकिन आप इसका आभास कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसे पाला पड़ा होगा आपका। आप देख रहे हैं इसमें गोबर होगा, मूत्र होगा, जलमल होगा, या सीधे सीधे आ रहा है नाले में। और इधर है वैष्णो नगर कॉलोनी, मैं कहीं लोकेशन दिखा भी देता हूँ, कोई बता भी देगा। और इस तरफ है रत्नाकर नगर कॉलोनी, बोर्ड वाले भी अब नहीं लिखवा रहे हैं, इधर देखते हैं अगर कहीं होगा तो मैं दिखा देता हूँ। आइए दिखाता हूँ, देखिए इधर है ताज़ा पनीर, शुद्ध देसी घी, स्पेशल दही, जय हो। दुकान चल नहीं रही है क्योंकि लॉकडाउन है। और यह है भगवान तो रोड, सामने घाट बाराती, यहाँ आपने देख लिया है। तो यह पार्लर है गोल्डी का, उसे आपने देखा। और यह कुछ दूरी पर ही यह नाला जाकर के गंगा में मिलता है। हम मुरारी चौक, इस तरफ मुरारी चौक है जहाँ से हम पैदल पैदल आ रहे हैं, और इस तरफ वैष्णो नगर कॉलोनी में हम प्रवेश करेंगे। तो यह दिखाया हमने, इस तरह से जितने नाले हैं कागज़ में सबको बंद कर दिया गया है और इसे इसका शोधन किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। भगवानपुर जो प्रदूषण नियंत्रण मार्ग है, जहाँ इनका शोधन यंत्र लगा है, सीवर को शोधन करके गंगा में गिराते हैं, उसकी भी सच्चाई अगर आप देख लेंगे, क्योंकि वहाँ जाना वर्जित है, और शोधन के नाम पर खानापूर्ति करके कुछ शोधन होगा और कुछ दोहन होगा, तो इस तरह से लोग करते रहते हैं। और यह है सच्चाई, इस तरह से नाले लगातार पतित पावनी में गिरेंगे, पॉलीथीन जाएगा, इसमें अपशिष्ट पदार्थ जाएंगे, और इसमें कूड़ा कचरा जाएगा, इसमें केमिकल जाएगा, और पूरी तौर पर हमारी पतित पावनी गंगा अपवित्र करेगी। सर यह नाला कहाँ जाता है? गंगा जी। गंगा जी, आज आप यहीं के निवासी हैं सर? यही नहीं, कुछ पूछ बोलना नहीं है सर, ऐसे ही पूछना होगा। हमने देखा है काला काला पानी है सर, ऐसे हाँ तो कॉलोनी का पानी है, गंगा जी में जाकर यहाँ गंगा में गिर जाएगा, तो गंगा जी शुद्ध कर देंगे इसको, फिर सागर में चला जाएगा। गंगा पर कोई श्लोक याद है आपको? गंगा पर क्या श्लोक? हाँ अच्छा, ये भगीरथ के प्रयास से आई थी ना गंगा, भगीरथ के प्रयास से आई जी गंगा, और भगवान शंकर के जटाओं से निकले, जटा से निकले, उसी में उलझ गई थी, उसी में उलझ गई। इसमें एक है, सिद्धि साधे सतामस्त प्रसाद तस्य दुर्गते जाहन भी फिर लिखे व जन्म धनी सचिव। ये गंगा जी का नाम जाहनवी भी है। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। और ये गंगा जी का जटाशंकरी भी नाम है। हाँ हाँ, जटाशंकरी नाम पर तब त्रिभुवन तारण आयो। गंगा का नाम भागीरथी भी है। भागीरथी भी है, वाह वाह। और ये पवित्र पावनी है, ये मृतलोक में आई है, मृतलोक को तार रही है, मोक्ष मोक्ष या। देखिए पंडित जी हैं, और प्रणाम करता हूँ। शुभ नाम आपके गुरु जी? राजेश्वर तिवारी हमारा नाम। राजेश्वर तिवारी, मूल रूप से आप तो कहीं बाहर के होंगे, यहाँ आके? हाँ हम तो हैं रोहतास के। रोहतास के हैं, राजेश्वर तिवारी भी रोहतास के हैं। और आप कहाँ के? हम तो गाजीपुर के हैं। यह तिवारी जी ने बताया कि जटाशंकरी भी नाम है, भगवान शंकर की जटाओं से चल कर के आई है गंगा, इसलिए इनका जटाशंकरी नाम भी है। तो जटाशंकरी भागीरथी भी है, और प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है, जाह्नवी है, जाह्नवी।
चली तो आंडी भी सीधे उनको उछल पुछल चली तो सूची को उछल पुछल कर गए तो अपना कमंडली में रोक लिए हाँ तो फिर वहाँ से प्रयास किए आई मुक्तिदायिनी है। चलिए नम्रता के साथ आपको सादर नमस्कार। ये तो नाला ना है। नाला है सर, देखिए भैया बता रहे हैं कि नाला है। नाले ना है। आपको क्या नदी लग रहा था? असी नदी है, सही है। क्यों गुरु जी असी नदी का अवलोकन किया है आपने? वो बरुआ असी वाराणसी है। हाँ। जो बरुआ नदी उधर पड़ता है। हाँ। और असी एक तरफ इधर से नाला आया है। हाँ। इसके अंदर वो नदी है। हाँ। लेकिन अब तो नाला टाइप का है। 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके गोमुख से चल करके गंगा तमाम कानपुर से लेकर के फिर प्रयागराज जाती है, वाराणसी काशी होते हुए आगे बढ़ जाती है, गाजीपुर बलिया के बाद बिहार में प्रवेश करती है, तत्पश्चात कुछ झारखंड के हिस्से को थोड़ा सा स्पर्श करती है और हुगली नदी के रूप में यह परिवर्तित हो जाती है पश्चिम बंगाल में और गंगा सागर नामक स्थान पर सागर में मिलती है। वही कपिल मुनि यहाँ वो थे, वहाँ जाकर मिल जाते तो इनके खानदानों का सब लोग जल गए थे, उसी रास्ते से गई कि भाई उसी रास्ते से गई। और क्या है साहब, हमने गंगा को लगातार पवित्र बनाया, लगातार पॉलीथीन से लेकर के अन्य कूड़े कचरे हम गंगा में बहाते रहते हैं, डालते रहते हैं, हमने अपने आचरण में परिवर्तन नहीं लाया और सरकारों ने मार्केटिंग में कोई कोर कसर नहीं किया, जम करके मार्केटिंग किया कर किसी भी सरकार ने नेशनल रिवर गंगा राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को सुधार कर दिया गया। सर आप वाराणसी के हैं, कोई अनुज एक बार सर की तरफ फिर फोकस करो, कोई परिवर्तन लग रहा है जैसे नाले वाले सब जैसे गिरते थे सब कुछ? हमारी सरकार को तो फैला भर रहा है, चलिए गुरु जी ने राजेश्वर जी ने कहा कि सरकार का फैला भर रहा है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मारकंडे से आज काशी की सड़कों पर ऐसे पैदल मॉर्निंग वॉक कर रहा था, यह नाला दिखा तो हमारे सहयोगी और आज के सम्मानित छायाकार अनुज ने कहा कि सर एक वीडियो बनाना चाहिए। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार, धन्यवाद।